बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए सरकार में वित्त और रक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं आज यहां इस मंच से ये बताने के लिए आया हूं आपको कि 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। आज 4 साल के बाद मैं दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। आइए जानते हैं बीते 4 सालों में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावती सुर छेड़ने वाले यशवंत सिन्हा आखिर कौन हैं? 1984 में यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के तौर पर शामिल हो गए। एक प्रभावशाली नौकरशाही का जीवन बिताने के बाद यशवंत सिन्हा ने जनता दल के टिकट पर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1986 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव और 1988 में राज्यसभा सदस्य चुना गया। 1990-91 के दौरान वो चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मार्च 1998 से मई 2002 तक वित्त मंत्री रहे और बाद में 2004 के अंत तक विदेश मंत्री। यशवंत सिन्हा सन 2004 में लोकसभा चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र हजारीबाग, जो पहले बिहार और अब झारखण्ड का हिस्सा है, से हार गए। सन 2005 में उन्होंने फिर से संसद में एंट्री ली और सन 2009 में बीजेपी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक प्रभावी और लंबे राजनीतिक करियर के बाद अब देखना होगा यशवंत सिन्हा की गाड़ी किस नई दिशा मुड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो YouTube पे न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। देखते रहिए न्यूज तक।